हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लैक्स सीड, यानी कि हिंदी में जिसे हम अलसी के बीज बोलते हैं, जो कि बहुत ही साधारण से बीज, यानी कि जैसे दूसरे बीज होते हैं लगते हैं, लेकिन ये किसी सुपर फूड से कम नहीं है। इस अलसी के बीज के बारे में मैं आपको देने वाली हूँ पूरी जानकारी। आप इसे किस प्रकार से इनटेक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप ट्रॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं अपनी स्किन एंड बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, इसके साथ ही साथ किस प्रकार से इंटेक करके अपने बॉडी के यानी कि शरीर के तमाम प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं, सारी बीमारियों को रोकता है अगर आप इसे सही वे में यूज़ करते हो, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को जरूर हिट कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलसी का बीज यानी जिसे हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं, दोस्तों बहुत पुराने समय से, बहुत पुराना ये सीड है, तकरीबन 6000 सालों से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। क्योंकि रीज़न है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि नॉर्मली मछली यानी फिश में पाया जाता है। जो शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी अच्छे फैट्स कम अवेलेबल होते हैं, अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको यूज़ करके या इसको इनटेक करके वो अपनी स्किन में स्किन एंड बॉडी में बहुत तरह की अच्छी चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1 B2, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छे ऐसे एंजाइम्स, इसके अलावा फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, हाई फाइबर एंड इसके अलावा गुड फैट एंड इसके अलावा बहुत सारे इसमें तत्व होते हैं, जो कि हमारी इंटायर बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारी इंटायर बॉडी के हेल्थ के साथ साथ हमारे स्किन एंड हेयर को के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरे शब्दों में आप इसे एक सुपर फूड कह सकते हो, क्योंकि इतनी सारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो किसी नॉर्मल बीज में तो नहीं होती हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इसे डेली किस प्रकार आपको इंटेक करना है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको किस प्रकार इसका पाउडर बनाना है। आपको पहले अलसी के बीजों का लेना है एंड उसके बाद इसे हमें किसी कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लेना है, यानी कि भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में, ताकि ये जले ना, याद रखें, क्योंकि अगर जल गया तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है किसी मिक्सर जार में एंड इसे हमें डेली एक टाइम रात में आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक गिलास पानी में एक चम्मच से थोड़ा सा कम डाल के इसे अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन आप सुबह भी कर सकते हो, तो आप चाहे किसी एक टाइम स्टार्टिंग में इसका यूज़ करना है। नंबर एक दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1 B2 इसमें होते हैं, जो कि आपकी स्किन एंड बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड नॉर्मली फिश में पाया जाता है, जो कि नॉन वेजिटेरियन यानी कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं यानी कि शाकाहारी, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इस वजह से अगर आप इसका इंटेक करते हो तो ये आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन में दाग धब्बों को कम करके आपकी स्किन में एजिंग का जो प्रोसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन करेगा। उसके साथ आपकी स्किन को बनाएगा यूथफुल एंड इसके साथ ही साथ आपके जो ब्रेन है, ब्रेन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। उसके साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आपकी जो नसें हैं उनमें ब्लॉकेज आ गई है, उसे भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाता है, अगर आप फ्लैक्स सीड का इंटेक करते हो डेली। सेकेंड, ये डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, यानी कि आपकी बॉडी से जो भी विषैलापन है या जो गंदगी होती है उसे ये बाहर कर फेंकता है, यानी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ ही साथ आपके जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है, जिससे कि हमारी बॉडी का सिस्टम अच्छा होता है एंड उसके साथ ही साथ हमारी स्किन अच्छी होती है, स्किन में ग्लो आता है। एंड अगर आपको BP यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर आप इसे डेली इंटेक करते हो तो BP को भी ये कम करता है। फोर्थ जो है, अगर आप इसे डेली इंटेक करते हो तो आपके हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को हाई करता है। इसके साथ ही साथ अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, यानी कि आपको खाना जल्दी से पचता नहीं है या कब्ज की शिकायत रहती है, तो अगर आप इसे डेली इंटेक करते हो एक चम्मच के आसपास, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। उसके साथ ही साथ
ये अगर आपको आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है, क्योंकि इसमें गुड फैट काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें होते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो उस प्रकार की कोशिकाएं जो कि आपकी इंटायर बॉडी के सेल्स को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से आप बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा जाते हो। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के डैमेज का सिस्टम काफ़ी कम हो जाता है एंड जो आपका एजिंग का प्रोसेस है उसे काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। इसके साथ ही साथ एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये वर्क करता है वो ये है कि अगर आप डेली अपनी डाइट में इसको इंटेक करते हो, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड में इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं या पावरफुल तत्व होते हैं, मतलब आपकी जो स्किन है उसको ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है स्किन के सेल्स को, जिसकी वजह से जो डैमेज का जो रेशो होता है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है। अगर आप स्किन की इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है जिसके वजह से आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, सनबर्न कम होता है एंड के साथ ही साथ इसमें आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चले फ्लैक्स सीड अगर आप इसका जेल बना के अपने बालों में लगाते हो या फिर आप इसका इंटेक करते हो, मतलब आपको इसे दोनों तरीके से आपको इंटेक भी करना है, मतलब कि एक्सटर्नल यूज़ भी करना है इंटरनल यूज़ भी करना है। एक्सटर्नल आप एप्लीकेशन करके यूज़ कर सकते हो स्किन एंड बालों के लिए, इंटरनल आपको इंटेक करना है। तो अगर आप इसे बालों में इसका जेल लगाते हो या इसका अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, ड्राई हैं या बहुत उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो ये इस प्रकार के कुछ तत्व होते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को ड्राइनेस को ख़त्म करके शाइनियर बनाता है। एंड इसके अलावा इसमें मॉइस्चराइजिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल में होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये ड्राइनेस को ख़त्म करके आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है। 10 साल के ऊपर वाले कोई भी इसका यूज़ कर सकता है एंड मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ उसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।